मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन व राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने 400 समर्थकों के साथ रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। साथ ही राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 3 किलो 333 ग्राम की 3 चांदी की शिलाएं भी अर्पित की। इसके अलावा उन्होंने 7,21,000 का निधि समर्पण भी किया, जो उनके विधानसभा में अभियान चलाकर एकत्र किया गया था। मंत्री ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को चांदी की शिला व अपने विधानसभा सुर्खी में एकत्र किए गए निधि समर्पण को भेंट किया। इससे पहले अयोध्या पहुंचे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत व उनके समर्थकों का नेपाली बाबा आश्रम में भव्य स्वागत किया गया। मंत्री ने नेपाली बाबा आश्रम के महंत तपस्वी आत्मानंद महात्यागी उर्फ नेपाली बाबा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद आश्रम में गाजे बाजे के साथ अपने समर्थकों के साथ शोभा यात्रा निकालकर मंत्री राम जन्मभूमि पहुंचे। मंत्री गोविंद सिंह ने बताया कि लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं और यह बड़े ही गौरव का विषय है। कहा कि हमारे क्षेत्र में राम के प्रति भक्तों का अपार आस्था है, यही आस्था प्रकट करने के लिए यह सभी भक्त हमारे साथ अयोध्या पहुंचे हैं। रामलला का दर्शन कर और राम मंदिर निर्माण कार्य का साक्षी बनकर हम सभी लोग आह्लादित हैं। क्षेत्र के हमारे करीब 400 भक्त कार्यकर्ता भी आए हैं, हम सब लोग अभी पहुंच रहे हैं राम मंदिर। राम मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप सब लोग एक साथ आइए और हम लोग अपनी राम शिलाएं वहाँ समर्पित करेंगे, जो भी चढ़ोतरी की राशि है वो समर्पित करेंगे। और हम बहुत ही आनंदमय हैं, हम सब लोग अयोध्या आकर हम सब अपने आप को बहुत ही राम जी के चरणों में अपना सर समर्पित कर रहे हैं।